मम्मी और मिस्टर शाह का डिवोर्स हो रहा है तो मुझे इतना बुरा क्यों लग रहा है? मिस्टर शाह ने ना मम्मी को कभी रिस्पेक्ट दी ना वो प्यार दिया जो वो डिजर्व करती है। शी डिजर्व्स टू बी हैप्पी। मिस्टर शाह के साथ ना वो खुश है ना कभी रह सकती। बेहतर यही होगा कि वो दोनों अलग हो जाए। लेकिन जब भी डिवोर्स के बारे में सोचता हूँ तो मैं डर क्यों जाता हूँ? एक तरफ लगता है कि मम्मी मिस्टर शाह को माफ ना करते और मुझे डर लगता है कि रिसोर्ट में मिस्टर शाह मम्मी को ब्लैकमेल करके डिवोर्स का डिसीजन चेंज ना कर ले। और एट द सेम टाइम मुझे डिवोर्स इतना अफेक्ट क्यों कर रहा है? व्हाई? Thank you so much for coming, Nandu. I can't even tell you कि मैं कितना lonely feel कर रहा था. Thank you. पर तुम यहाँ? तो क्या करती? कल रात जब तुमसे बात की तो तुम कितने low sound कर रहे थे. कि stress के मारे मैं पूरी रात सो नहीं पाई हूँ. और फिर तुम्हारा competition भी तो है. कोई तो चाहिए ना तुम्हारे लिए समर जलाने वाला. और फिर वो प्यार ही कैसा जो अपने प्यार को परेशानी में अकेला छोड़ दे. तुम्हें भी वही लग रहा है जो मुझे लग रहा है? हाँ बा, मुझे भी वही लग रहा है. बट साथ में ना मुझे डर लग रहा है बा, कहीं ये हमारा वहम ना हो. नहीं नहीं, ऐसी बाबत में हम औरतें कभी धोखा नहीं खा सकते. खुशखबरी पक्की. आई होप बा, आपके मुंह में घी शक्कर. बस अब थोड़े दिनों में हमारे आंगन में भी एक छोटा सा बाल गोपाल खेलने लगेगा. आई नो, यू वेरी एक्साइटेड. अनुपमा के पास फोन होता तो अब भी एक खुशखबरी हम उसे सुना देते थे. हाँ बाम, मैंने कॉल बैक तो अरेंज करवाया है. कहा है होटल में कि जल्दी कॉल करे. बस उनका कॉल आता ही होगा. अरे देखो कॉल आ गया है. हेलो मिस्टर शाह. और राखी बहन, जय श्री कृष्ण. आपने ऐसे फटाफट वापस फोन करने के लिए कहा, वहाँ सब ठीक है ना? नहीं मिस्टर शाह, कुछ ठीक नहीं है. किंजल को सुबह उठते ही चक्कर आ गया. क्या? हाँ, और एक बार फिर से चक्कर आया और फिर वो बेहोश हो गई. बेहोश हो गई? वो ठीक तो है ने? आपने डॉक्टर को फोन किया? क्या कहा डॉक्टर ने? वो चक्कर क्यों आया उसे? ये बच्चे भी आजकल ना कम खाते हैं, पतला दुबला रहना है इनको. वो माँ बनने वाली है मिस्टर शाह. हाँ, पर उसके लिए उन्होंने कोई दवाई? क्या ब्यूटीफुल माँ किंजल, मतलब मेरा तो सूप पापा, मैं दादी राखी बहन. हाँ, और ये नागिन नानी और मैं पर दादी. मेरा तो सूप पापा, मैं दादी. क्या हुआ? मुझे तो लगा ये खुशखबरी सुन के तू खुशी से झूम उठेगी, पर तू तो सदमे में पहुंच गई. भाई खुशी इतनी ज्यादा है ना कि समझ में नहीं आ रहा कि मैं दादी बा मैं. कांग्रेचुलेशंस मिसेस शाह, हमारा प्रमोशन होने वाला है. आपको भी कांग्रेचुलेशंस राखी बहन. आप तो ना मुझे बना तो नहीं रहे ने? ये खबर सच्ची है? अभी तक तो यही लग रहा है, लेकिन सच क्या है ये तो टेस्ट करवाने के बाद ही पता चलेगा. नहीं नहीं, मैं कह रही हूँ ना तो यही सही है. अरे टेस्ट तो करवाने दो. तो उसके पापा सुनेंगे तो एकदम खुशी से पागल ही हो जाएंगे. आई डोंट थिंक सो. उन्हें ससुर जी कहलवाने में इतनी तकलीफ हो रही थी, इमेजिन दादाजी कहलवाने में कितनी तकलीफ होने वाली है. नहीं राखी बहन, सूत असल से प्यारा होता है.
बच्चों के बच्चे होने पर जो खुशी मिलती है ना, उसे बयां नहीं कर सकते। अब आप अपने आप को ही देख लीजिए, आप भी तो खुशी से पागल हो जा रही है। और आप खुशी के मारे रोए जा रही हैं। भगवान ने अचानक से इतनी सारी खुशियां मेरी झोली में डाल दी के समझ में नहीं आ रहा कि क्या करे। ठाकुर जी करे कि ये खबर सच हो, किंजल सच में माँ बनने वाली हो। शायद नन्हे कदमों से आती खुशी की आहट अनुपमा के बाहर जाते कदमों को रोक ले। जो हम सब नहीं कर पाए वो क्या पता आने वाली नन्नी जान ही करते। छोड़ो भी। नो। समर कोई आ जाएगा। आई डोंट केयर। समो प्लीज, मैं कहीं नहीं जाने वाली, मैं यहीं पे हूँ। और अगर चली गई तो मैं फिर अकेला हो जाऊंगा नंदू। नहीं जाऊंगी बाबा, आई प्रॉमिस, कहीं नहीं जाने वाली मैं। पता नहीं लोग हॉस्टल में कैसे रह लेते हैं। अरे दो तीन दिन तुम्हारे और मम्मी के बिना रहकर मेरा यहाँ पर भूत बन गया। I missed you all so much, especially तुम्हें और मम्मी को तो बहुत ज्यादा मिस किया। ऐसा लग रहा था पूरे दुनिया में मैं बिल्कुल अकेला पड़ गया हूँ मैं। I miss you Nandu, I miss you so 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 much. I missed you too. No, I missed you more. अरे no, I missed you more. Lol. I lots and lots and lots of love you Nandu. I love you too Samar. पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है कि ये खुशी अपने साथ ढेर सारी खुशियां लाने वाला है। Fingers crossed. बा, सुनिए ना, किंजल को बताया? वो किंजल, मम्मी, मम्मी, why are you crying? अरे खुशी के आंसू है नागिन, लगता है हमारी तरह इससे भी खुशी संभाली नहीं जा रही है। रोते नहीं बेटा किंजल। हाँ क्यों रो रही, क्या हमने ये खुशखबरी तुझे पहले नहीं सुनाई इसलिए? अरे वी थॉट कि हम मिसेस शाह को पहले सुना देते। नो मम्मी, ऐसा नहीं हो सकता है, कांट बी प्रेग्नेंट मैं और माँ। अरे किंजू, आई नो इट्स वेरी ओवरवेलमिंग फॉर यू, इट्स ओके, रिलैक्स। अब ज्यादा चिंता मत कर, बच्चे की सेहत पे बुरा असर पड़ेगा। नो 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 किंजल, क्या हुआ? इसके आगे नहीं जा सकते मैडम। क्यों? कर्फ्यू है, देखिए ना आगे कितने पुलिस वाले खड़े हैं। मेरी मानिए तो वापस चलते हैं। नो, यहाँ तक आई हूँ तो अब मैं वापस नहीं जाऊंगी। तुम रुको, मैं बात करके आती हूँ, ठीक है? क्या पागल औरत है, खुद भी मरेगी और मुझे भी मरवाएगी। Thank you.
वेरी ब्यूटीफुल। मम्मी दिस कांट बी, ऐसा नहीं हो सकता माँ, मैं और माँ, नहीं नहीं नहीं, नो 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 नो, इट इज नॉट पॉसिबल। ही बोले जा रही है, तेरी सास की बात तो सुन। हाँ ये आजकल की लड़कियों को क्या चाहिए वो मुझे समझ में ही नहीं आता है। कौन सी बात पे खुश होना है और कौन सी बात पे दुखी, यही इनको पता नहीं है। इनकम टैक्स का छापा नहीं पड़ा है घर पे जो नो 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 कर रही है। एक कुछ मिनट मुझे बात करने दीजिए ना। हाँ तू ही बात कर और तू ही समझा तेरी लाडली को। मेरी ब्यूटीफुल देख, मैं जानती हूँ, मैं समझती हूँ तेरे ऊपर इस वक्त क्या बीत रही है। माँ बनना बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, इसलिए तू इस खुशी में खुश होने के बजाय डर गई है। पर एक बात कहूँ, ऐसा सिर्फ तेरे साथ नहीं हो रहा, मेरे साथ भी हुआ था। मेरे साथ भी? And even I was nervous. वो टीवी और फिल्मों की तरह असल जिंदगी में सब ऐसे नाचने गाने नहीं लग जाते ये खबर सुन के, बल्कि कई तरह के डर सताने लगते हैं। क्या होगा, कैसे होगा, हम कर पाएंगे कि नहीं, वो एक नन्ही सी जान को कैसे संभालेंगे, ऐसे हजारों सवाल आते हैं मन में। जब मुझे मेरी प्रेगनेंसी के बारे में पता चला था ना, तो मुझे कंटिन्यू ही नहीं करना था, लेकिन जब रियलाइज हुआ कि मेरे अंदर भी एक लाइफ है, मेरा सारा डर ना खुशी में बदल गया बेटा। एक औरत के लिए माँ बनना दुनिया की सबसे बड़ी खुशी होती है। और किंजल सुनने, अभी कौन सा ये खबर पक्की है? क्या पता जो हम सोच रहे हैं वो है भी या नहीं। अगर है तो तुझे डरने का और घबराने का पूरा हक है बेटा। मैं पहले प्रेगनेंसी टेस्ट किट ऑर्डर करती हूँ, टेस्ट करो पहले, फिर देखते हैं ना क्या करना है। हाँ पता तो चले कि ये खुशखबरी सच है या नहीं है, या तूने ऐसे ही सर पे घर उठा रखा है। बाप, बात सिर्फ मेरी नहीं है, तोशु भी इस चीज के लिए रेडी नहीं है। मॉम, उसने मुझे क्लियरली कहा था कि अभी सिर्फ काम पे कॉन्सेंट्रेशन करना है, और अगर ये न्यूज सच हुई ना तो बहुत बड़ा इशू हो जाएगा। मॉम कुछ नहीं होगा, रिलैक्स। मैडम मैडम आगे कर्फ्यू लगा है, मैडम मैडम हमारी नौकरी चली जाएगी। मैडम 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 वन्नु मैं अनुपमा के साथ एक ही घर में रहता हूँ ना, और हम कौन सा किसी रिजॉर्ट में हनीमून के लिए जा रहे हैं, शहर के बाहर एक पिकनिक स्पॉट है वहां पे जा रहे हैं, सब लोग साथ में। रुक जाइए, आपको पता है ना यहाँ पे कर्फ्यू लगा हुआ है। मुझे पता है इंस्पेक्टर साहब, प्लीज आई नीड हेल्प, मेरे होने वाले पति वो मुसीबत में है, प्लीज लेट मी गो, आई नीड योर हेल्प। नाउ टेल मी, कल रात तुम इतने अपसेट क्यों थे? बिकॉज आई एम श्योर ये कोई कॉम्पिटिशन का प्रेशर नहीं है, बात कुछ और है, राइट? मम्मी और मिसेस शाह के डिवोर्स से डील नहीं कर पा रहा हूँ नंदू। आई शुड बी हैप्पी कि मम्मी ये सब से फ्री हो जाएंगी, पर फिर भी मुझे बुरा लग रहा है, आई डोंट नो व्हाई। वो तो लगेगा ही ना समर, आफ्टर ऑल वो तुम्हारे पेरेंट्स हैं, भले तुम अपने पापा को पापा नहीं कहते पर रिश्ता तो है ना, खून के रिश्ते ऐसे ही होते हैं, कितना भी लड़ लो झगड़ लो गुस्सा हो जाओ लेकिन तकलीफ तो होती है, ब्लड रिलेशंस टूट के भी नहीं टूटते। मेरी बात मानो तो एक बार अपने पापा से बात कर लो। किस बारे में? डिवोर्स के बारे में, जो तुम फील कर रहे हो ना एक बार जाके उनसे शेयर करो समर, आई एम श्योर यू विल फील बेटर। नो वेज, डिवोर्स के मैं उनसे किसी भी टॉपिक पे बात नहीं करना चाहता हूँ नंदू, और प्लीज इसके बाद मुझे उनसे बात करने के लिए मत कहना। हाय समर, कंपटीशन की तैयारी हो गई? वैसे भी तुझे कंपटीशन की तैयारी करने की क्या जरूरत है, तू तो इतना अच्छा डांसर है कि तू किसी भी गाने पे डांस कर लेगा और फर्स्ट प्राइज जीत लेगा। मैं कंपटीशन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा हूँ बॉबी, तो प्लीज जाके लिस्ट से मेरा नाम हटा दे। पर क्यों? आई एम नॉट इन राइट स्टेट ऑफ माइंड नंदू, बॉबी तू मेरा नाम हटा दे प्लीज। समर किंजल बेटा, डरने की परेशान होने की जरा भी जरूरत नहीं है, पहले टेस्ट तो हो जाए, राखी बहन टेस्ट लेकर आएगी, पहले टेस्ट करेंगे, उसके बाद पता चले कि जो हम सोच रहे हैं वो सच है या नहीं, उसके बाद परेशान होंगे ना। हाँ पर क्या पता, हाँ ये खबर सुन के तो खुश भी हो जाए। हाँ? आदमी लोग होते ऐसे, पहले बच्चे के लिए मना करते, जब बच्चा आने वाला होता है तो सबसे पहले वही खुश होते। एग्जैक्टली किंजल के वक्त भी ना प्रमोद मुझसे ज्यादा एक्साइटेड थे। सीरियसली बच्चा, मॉम तो शू वोंट बी हैप्पी, इनफैक्ट वो तो पेरेंट बनने के लिए रेडी ही नहीं है, वो तो
वो तो बच्चों से बहुत चिढ़ता है बा। अरे पड़ोसी के बच्चे से तो सबको चिढ़ होती है, जब अपना बच्चा आता है तब प्यार हो जाता है। एक बात कहूँ, पति जब पिता बनते हैं ना तो एकदम बदल जाते हैं। और तू चिंता क्यों कर रही, हम सब है ने, तोशु से मैं बात करूंगी। नहीं मम्मी, तोशु नहीं समझेगा, पहले टेस्ट करते फिर देखा जाएगा। कम लेट्स गो इनटू द टेस्ट, कम कम। भगवान करे ये खुशखबर ना सच हो जाए और तोशु और किंजू बेबी मान जाए। चिंता मत कर, हम सब है ना, संभाल लेंगे। और तू वहां बैठ के परेशान मत होना, जो होगा अच्छा ही होगा। और वनराज को अभी मत बताना, एक बार टेस्ट हो जाए, खुशखबर मिल जाए, बाद में बताना। अच्छा सुन, किंजू बेबी अगर पेट से हो तो क्या बा? नहीं कोई बात नहीं, बाद में बात करते। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड इंस्पेक्टर साहब, प्लीज। मेरे होने वाले हस्बैंड वो वहाँ फंसे हुए हैं और उनकी तबीयत भी खराब है, मुझे उन्हें दवाइयाँ देने पहुँचना है, प्लीज। ऐसे तो हर कोई अपना अपना एक्सक्यूज लेकर यहाँ आ जाएगा। कर्फ्यू का पालन हर किसी को करना चाहिए। आप आगे नहीं जा सकती, मतलब नहीं जा सकती। प्लीज आप हमारी मदद के लिए ना, यहाँ पे आप पुलिस है, प्लीज। अगर मैं आपसे मदद नहीं लूंगी तो कौन कौन मदद करेगा मेरी? देखिए मैडम, ये कर्फ्यू लोगों के सेफ्टी के लिए लगाया गया है। उस तरफ प्रोटेस्ट हो रहे हैं, वहां जाना आपके लिए डेंजरस हो सकता है। प्लीज गो बैक, जाइए वापस, आप जाइए। क्यों सबके सब मेरे और वी के बीच में आने की कोशिश कर रहे हैं? गौरी कर्फ्यू कब हटेगा? कहीं तब तक वी और अनुपमा एक दूसरे के और करीब ना आ जाए। गौरों को दैट कांट बी, दैट कांट बी। बा, मुझे लगता है कि हमें डॉक्टर के पास ही जाके टेस्ट कराना चाहिए, क्योंकि ये होम टेस्ट तो रिलायबल नहीं होता है। घर के बड़े बुजुर्गों के आंखों से बड़ा कोई होम टेस्ट नहीं होता है। मुझे तो कई दिनों से लग रहा था कोई तो बात है। अच्छा तो पहले बोला क्यों नहीं? अब बता रही हूँ ना, तो सुन ना। हाँ, बड़ों की बातें सुनेगी तो कान के पर्दे में आग नहीं लग जाएगी। हेलो, अगर मेरे कान के पर्दे आपके घर के पर्दों की तरह अगली है ना, तो भले ही आग लग जाए। Stop it guys, यहाँ मेरी हालत खराब हो रही है और आप लोग आपस में लड़ रहे हो। अरे I'm not fighting, she's fighting. ए, पहले तूने शुरुआत की। मैंने नहीं आपने की। नहीं नहीं sorry, नहीं बा, I'm sorry mom. मुझे समझ ही नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। I'm so nervous mom, I'm so nervous. तू क्यों परेशान हो रही? तू चल मेरे साथ हॉस्पिटल, हम टेस्ट करवाते, चल बेटा चल। ओ नागिन, हाँ? मुझे हर मिनट मिनट का रिपोर्ट देना। मिनट मिनट की, सेकंड की क्यों नहीं? मेरी बात को पकड़ मत। आप लोग फिर से शुरू हो गए। मॉम आप प्लीज चलिए, और बा आप प्लीज पेशेंटली वेट कीजिए। मॉम चलो चलो, डॉक्टर निकल जाएगा, चलो। क्या हुआ, क्यों परेशान हो रही है? मर्दों को बताओ तो हद से ज्यादा ही परेशान हो जाते, इन्हें थोड़ी देर में ही बताती हूँ। और ये किंजल को क्या हुआ? वही जो होता है। क्या होता है? वही जो होना चाहिए। क्या होना चाहिए? वही जो हो रहा है। और क्या हो रहा है? वही जो होता है। शादी को 55 साल हो गए, पर मेरी बीवी की कुछ उठपटांग बातें अब भी मेरी समझ में नहीं आती। वही होता है, वही जो होना चाहिए, वही जो हो रहा है। प्रणाम पंडित जी। प्रणाम बेटा, बैठ। पंडित जी मुझे इसी महीने में शादी का मुहूर्त देखना है। इसी महीने में? अगले हफ्ते भी होगा तो भी अच्छा है पंडित जी। आप कुंडली लाई है? कुंडलियाँ तो नहीं है मेरे पास। कोई बात नहीं, हम प्रश्न कुंडली बना लेंगे, उसी के हिसाब से ही विवाह का मुहूर्त निकाल लेंगे। अच्छा जी। आपके पास लड़का लड़की की तस्वीर है? माफ करना बेटा, प्रश्न कुंडली के हिसाब से तुम दोनों का विवाह का कोई योग नहीं बनता। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।